सभी टीचर्स ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते रहे, बल्कि उसके अलावा भी, चाहे वो क्वारंटीन सेंटर में ड्यूटी देना हो, चाहे स्कूल में खाना बांटना हो, स्कूल में वैक्सीन लगवाना हो, इवन हवाई जहाज हवाई अड्डे पर ड्यूटी देना हो, रास्ते में मास्क एनफोर्समेंट हो, हर जगह इवन हॉस्पिटल्स में ड्यूटी लगी, टीचर्स ने अनप्रेसिडेंटेड काम किया इस पेंडेमिक के दौरान। देखिए, किसी भी प्राइवेट स्कूल में अगर कहीं कोई बच्चे पढ़ रहे हैं और किसी भी कारण से उनकी पढ़ाई चालू रखने में उनको कहीं दिक्कत हो रही है, वो कोई भी हो, अगर कोई बच्चा कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, मैंने पहले से ही कहा है कि वो आके आसपास के एक दो सरकारी स्कूल्स में बात कर लें। हमने ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की है कि किसी भी बच्चे को हम मना नहीं करेंगे कोई किसी भी प्राइवेट स्कूल से आ रहा हो। यहाँ तक कि हमने तो ये भी अब इंश्योर कर दिया है कि लीगली टीसी एक बाइंडिंग होती है, लेकिन उसको भी हमने तरीके निकाल दिए हैं कि बच्चे के लिए टीसी लाना ज़रूरी नहीं है, वो डिपार्टमेंट ले आएगा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। हम जो भी हैं, हमारे टीचर्स का बहुत योगदान है। तो कल टीचर्स डे के अवसर पर कम से कम अपने एक टीचर को फ़ोन करके धन्यवाद ज़रूर करें, ज़्यादा को कर सकें और अच्छा है, लेकिन दिल्ली का हर नागरिक, देश का हर नागरिक ये जिम्मेदारी ज़रूर निभाए कि कम से कम अपने एक टीचर को फ़ोन करके उनके प्रति आभार ज़रूर व्यक्त करें। इसलिए हम इसको शिक्षकों के प्रति आभार दिवस के रूप में मना रहे हैं कल के दिन को। किसी के पास मोबाइल तो है लेकिन डेटा नहीं हो पा रहा, इसलिए वो ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़ पाया, तो अपनी सैलरी से, अपने बच्चों की सैलरी से डेटा लोगों ने बच्चों के मोबाइल चार्ज कराए हैं। इतना महान कार्य टीचर्स ने किया है। इतना भी किया है कि परिवार में बात करके अपने स्कूल के 100-150-200 बच्चों के लिए, उनका जिक्र मैं करूँगा, टैबलेट्स ला के दिए अपने बच्चों के लिए। तो ये सब ग्रेट वर्क हमारे टीचर्स ने किया है, और पेंडेमिक के समय में टीचर्स ने ये साबित किया कि टीचर्स का दर्जा जो गुरु का रखा गया है, और ये माना गया है कि जो कबीर ने भी कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, तो पहले गोविंद से आगे भी गुरु को रखना है। ये सही मायने में हमारे टीचर्स ने उसकी भूमिका निभाई है। मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी टीचर्स को नमन करता हूँ, और साथ साथ आप सबके सामने के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस साल का जो टीचर्स अवार्ड रहेगा 5 सितंबर के अवसर पर, वो भी विशेष रहेगा। इस साल हमने 103 अवार्ड्स को बढ़ा के 122 कर दिया।